क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू को मानना पड़ेगा। पी बराबर हम 1 मान लेते हैं, क्यू बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पी बराबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस का ये हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का ये हो जाएगा 3, सॉरी 1 होगा ना, 1 होगा, माइनस का हो जाएगा, और ये q माइनस p है तो 2 माइनस का 1 होगा, यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर होगा 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये हो जाएगा कितना आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है। अब इसमें देखिए 3 माइनस का 2 प्लस 1, 3 माइनस का ये होगा 3, यही होगा। और यहाँ पर 3 माइनस है तो यहाँ पर देखिए 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए हमारा। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देख लेते हैं, पी के स्थान पर ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम पी की जगह पे 1 मानेंगे और यहाँ पर माइनस है तो कभी हो नहीं, कभी नहीं होगा। यहाँ पर 1 प्लस 4 5 होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका, 3, और प्लस में 4 कितना होगा, 7 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और प्लस में 4 एक 1 सॉरी 2 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।